यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं जिला उद्यान कार्यालय नूह में कार्यरत सुभाष चंद्र को राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने रोहतक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी सुभाष चंद्र पर राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना में 9 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र साल 2011-12 में मेवात जिले में कार्यरत थे और उस समय किसानों के लिए चलाई गई राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मेवात के किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाना था, लेकिन अधिकारी की मिलीभगत होने के कारण ये योजना किसानों को ना देकर राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 19 फर्म पंजीकृत थी, जिसमें मेवात की 2 फर्म दिहाना इंटरप्राइजेस और हार्वेल अगवा प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली नामक फर्में थी और इनको साल 2011-12 के दौरान 2,72,92,698 रुपए की अनुदान राशि दी गई और किसानों के साथ अधिकारियों और फर्म मालिकों ने फर्जी तरीके से ये घोटाला किया। इस घोटाले में जिला उद्यान अधिकारी मेवात, सहायक परियोजना अधिकारी मेवात, उद्यान विकास अधिकारी, लेखा अधिकारी और दिहाना एंटरप्राइजेस के मालिक शमीम मुल्ली, ईशा मुबिन और शौकीन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र हैं। ये 2009 में अपॉइंटमेंट होने के बाद ज्वाइनिंग पे यहाँ नू में ज्वाइन किया था और वर्ष 2011-12 में शमीम अहमद हैं जो इसके एजेंट हैं हार्वेल कंपनी के, वहाँ से ये सूक्ष्म सिंचाई यंत्र किसानों को दिए जाते हैं सब्सिडी बेस पे। तो टोटल तो इसने अपने 2011-12 और 12-13 में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए दिखाए हैं सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों के और उसमें से 7,55,00,000 के करीब सब्सिडी लोगों किसानों को दी जानी कागजों के रिकॉर्ड के मुताबिक साबित हुई है।